वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। न्यू व्लॉग के साथ आपके सिस्टर हाजिर है और आज हम बना रहे हैं हफ्ता सफाई। आज हम बनवा रहे हैं मुबशी को पकड़ के हफ्ता सफाई। मुबशी को ये रख के चले गए, शायद मैंने कहा था ना कैमरे के लिए कर रहे थे, कैमरे के लिए उन्होंने ब्रश उठाया और सफाई की। अब उसके बाद करेंगी उनकी मामा सफाई। चले ठीक है, अब मैं करती हूँ सफाई। मैंने कर ली है सफाई, घर की सफाई हमारी हो गई है। घर हमने क्लीन कर लिया है और वहाँ हमारे धुल रहे हैं अभी कपड़े वॉशिंग मशीन में, वो कपड़े धुल जाएं। और अभी फिलहाल हमारे बच्चे ने भी क्या खा लिया, खाना खा लिया और मैंने ये चढ़ा दिया है। यहाँ पे सालन चढ़ा हुआ है मेरा, इसलिए भी सब्जी अभी सब कुछ ख़त्म थी जो हमारे समझ में आया हमने चढ़ा दिया वो खाना। बिस्मिल्लाह रही है, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। न्यू व्लॉग के साथ आपकी सिस्टर एज यूजुअल हाजिर है। व्लॉग तो मैंने स्टार्ट किया था, आज मैंने बनाई थी हफ्ता सफाई। आज अपने घर के पूरे जाले झाड़े, मैंने जाले सफाई कर ली, वॉशिंग मशीन लगाई। मैं अपना वॉशिंग एरिया दिखाती हूँ आपको कि मेरा वॉशिंग एरिया ये रहा। पानी निकल रहा है इन कपड़ों का, ये मैंने कपड़े धोए, यहाँ पानी निकल रहा है इन कपड़ों का। पानी निकलेगा तो फिर मैं इनको टांगूंगी। और बस हफ्ता था आज तो ना जाले तकरीबन और मंथली एक महीने बाद मैं अपने घर के जाले झाड़ती हूँ। अगर ना झाड़ू भूल जाऊँ तो फिर ना मुझे पता नहीं अंदर से कुछ चीज़ ना बोल रही थी कि घर की सफाई नहीं की, घर साफ हो, हफ्ता घर साफ हो। और फिर ना फिर मुझे बस जरूर उठ जाता है कि बस आज नहीं था बिल्कुल कि मैं सफाई करूँगी। बस मैं उठने के लिए आज जाले लादमी जाने हैं, रवाना शुरू किए थे लेकिन अधूरा काम छोड़ के आप भाग गए। इन्होंने जाले बस वो दिखाने के लिए ना, कहते हैं लोग कुछ मूवी बनाते हैं तो वो हाथ में पकड़ लेते हैं कि हम सफाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो शायद उन्होंने इस तरह शूटिंग करी थी हमारे साथ कि थोड़ा लेके खड़े हुए कि मामा हमें जाले साफ करो, लेकिन वो उन्होंने रखा और वो बाहर चले गए। कि मैं वेजिटेबल लेने जानी, बहुत दिन हो गए वेजिटेबल खाए हुए, सौदा लाना था घर का, जाऊँगी निकलते हैं मुबश का। इसलिए मैं काम करके ही अभी फ्री हुई हूँ तो बैठी हूँ। बस इतना था कि अपने घर के काम खुद करना चाहिए। चले भाई बिस्मिल्लाह रहीम। मैं आई थी वेजिटेबल मार्केट में, आई थी सब्ज़ी लेने, तो सब्ज़ी लेने आई, मेरे पास प्याज बिल्कुल ख़त्म थी, आलू भी। इसलिए फिर सुन रहे हैं कि बारिश होने के अमकान आते हैं 5 सितंबर से, तो फिलहाल मेरे तो खैर ख़त्म थी प्याज। तो ये देखिए हमारी 10 सितंबर की मार्केट है, ये देखिए यहाँ वेजिटेबल सब्ज़ियाँ मिलती हैं सारी, देखें खड़े हुए हैं सब्ज़ियों में। तो फिलहाल मैंने तो ले ली है सब्ज़ी। अब सब्ज़ी लेके मैं निकली हूँ पहाड़ की तरफ अपने घर जाने के लिए। मैं देखेंगे, देखिए माशाल्लाह ये हमारी पूरी 10 सितंबर की मार्केट है जो मैं आपको दिखाती भी ला रही हूँ। यहाँ फ्रूट भी मिलते हैं, सब्ज़ियाँ मिलती हैं और ये देखें ये सारी शॉप हैं यहाँ पे। ये देखें सेब रखे हैं और ये सारी यहाँ शॉप हैं, या गिफ्ट शॉप भी आएगी यहाँ पर। ये चूड़ियाँ भी मिलती हैं अच्छी हैदराबाद की। फ़िलहाल इस वक्त तो मेरे मुबशिर की बाइक हो गई है बंद। बेटा क्या हो गया, बाइक क्यों बंद हो गई, जल्दी स्टार्ट करें प्लीज़। चले ठीक है, फ़िलहाल थोड़ी मेहनत के बाद मुबशिर की बाइक स्टार्ट हो गई और हम फिर अपनी रवादामा अपनी मंजिल की तरह रवाना हो चुके हैं। देखें ये है गिफ्ट शॉप और यहाँ गिफ्ट बड़े अच्छे मिलते हैं। ये देखें बच्चों के खिलौने की शॉप और ये सारी शॉप हैं, कॉस्मेटिक की शॉप, शूज़ शॉप और ये भी कॉस्मेटिक की शॉप आ गई आई थिंक ये शॉप। ये सारी हमारी मार्केट है 10 सितंबर की, छोटी मार्केट कहलाएगी, कोई बड़ी मार्केट नहीं है हमारी 10 सितंबर की, छोटी सी मार्केट है जहाँ हम चले जाते हैं, हर चीज़ मिल जाती है। फ़िलहाल यहाँ पर कुछ ज़रूरत की चीज़ आपको चाहिए तो हम चले जाते हैं। फ़िलहाल मैंने अपनी बेटी के इसरार पर मैक्रोनी भी ली हैं और घर चल के अपनी अनाबिया के लिए, सब बच्चों के लिए बनाते हैं मैक्रोनी। अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मैक्रोनी। मैक्रोनी बनाना आपको दिखाते स्टार्ट किया और हमारी लाइट ही चली गई, लाइट चली गई, हवाएं बहुत तेज चल रही हैं यहाँ पे। चले ठीक है, फिलहाल अभी हम मैक्रोनी बनाते हैं। जो भी चीज़ कट करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ, आप इधर शेयर करती हूँ। ये देखें ये काली मिर्चें और ज़ीरा, ये हरी मिर्चें हमारे मुजम्मिल कट करके गए, ये सॉल्ट है और ये रंग है, ये टमाटर देखिए टमाटर पिंक पिंक से टमाटर जो अभी मैं लेकर आई हूँ, सब्ज़ी बिल्कुल नहीं मिली मुझे सब्ज़ी। और ये देखिए हमारी बॉयल हुई हुई मैक्रोनी, ठीक है मैं बहुत कम बनाती हूँ मैक्रोनी लेकिन कोशिश करती हूँ कि बन जाए। और दूसरी साइड पे मेरी प्याज देखिए, थोड़ी प्याज मैंने रखी है, हल्की सी प्याज आ रही है, ये थोड़ी सी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। इसमें मैंने टमाटर हरी मिर्चें सोया सॉस और काली कुटी काली मिर्चें पीसी हुई, ज़ीरा, चाट मसाला भी सब कुछ मैंने ऐड कर दिया है। और ये बस टमाटर जो है ये थोड़े सा मेल्ट हो जाए, मिक्सअप हो जाए तो मैक्रोनी डालेंगे और ये अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे बन गए हैं मैक्रोनी, बड़े यम्मी से लग, साथ में पीकर है लेकिन 2-3 मिर्ची हो गई हैं। ये देखिए मैंने बीफ भी ऐड कर लिया, देखिए ये रहा बीफ,
ये हमने उसे को बड़े निकाल के दिए, चिकन रखी है, मैं चिकन की भी मिर्ची हरी मिर्च शिमला में डाली थी हटा कर दी है मैंने इनको। कैसे बने यूँ करके बताओ मामा को, कैसे आपको जो अच्छे लगते हैं आप क्या करते हो, यूँ देखो मामा का थंब देखो प्लीज प्लीज वॉच माई हैंड, बताओ कैसे बोलते हो, ओह कैसे बने, अच्छे बने, ओह नाइस, मजा आया। पट्टी भी उड़ रही है और मैं हमें लग रहा बारिश ही है, आई थिंक कहीं हो रही है यहाँ पे, होने वाली है यहाँ पर। खैर मैंने आज अपने कपड़े भी वॉश कर लिए हैं और अभी मैं मार्केट गई थी, बहुत शोर करता है फैन भाई, बहुत शोर करता है, पछता रहता है मोहम्मद हुसैन की तरह हमारा फैन है ना, वो अनाबिया एक हमारी हमारी अनाबिया बहुत बजती है, बस अनाबिया को थोड़ा टाइम चाहिए बाजा बजाने की, जैसे पंखा जो ना हमें बात करने में डिस्टर्ब कर रहा था, है ना अनाबिया, अच्छी है बताएं पहले, थैंक यू बोला आपने, थैंक यू। आपके मैक्रोनी रखे हैं बाउल में, ठीक है आप क्या कर रहे थे ना मंडे से, फिर बताएंगे बारिश हो, स्कूल जाना है नहीं, बता बारिश बहुत हो गई, बोले बहुत हो गई है बारिश थी अपनी, तो पहले मैं अपनी चाय निकाल लेती हूँ, चाय पियेंगे, बहुत हवाएं चल रही है ठंडी ठंडी, यहाँ से भी हमारी बहुत डस्ट आ रही है विंडो से, ठीक ठाक डस्ट आई है कि मेरे ब्रश पे भी मुझे ये मट्टी हो रही है, मैं फील हो रही है, तो अभी हवाएं चल रही हैं हैदराबाद में बहुत ठंडी ठंडी, के हमारे कपड़े जो हमने वॉश किए थे वो उड़ रहे थे, बुरी तरह उड़ रहे थे। चलो ठीक है मैं चाय निकालती हूँ अभी, मैं बड़ी हैप्पी थी कि हमारा पानी निकल गया है, लेकिन ना इतना हैप्पी होने की जरूरत नहीं है, हमारे गली में फिर पानी, आज से फिर हमारी गली में पानी स्टार्ट हो गया है और हमारी गली गंदे गटर के पानी से फिर भर गई है, फिर उबलना शुरू हो गया हमारा, गटर का पानी फिर निकल रहा है, फिर भर गया गटर का पानी बेटा जी, फिर भर गया, तो अपनी गली में आ गई अभी नहीं, आ गया कहाँ जाएगा, भर जाएगा सुबह तक, सुनने में आया कल सैलाब भी आएगा, फिर से बारिश से शुरू हुआ सैलाब, बच्चों ने अभी न्यूज दी है मुझे बैड न्यूज और बारिश बता दी है, कल परसों से बारिश भी होगी, सैलाब भी आने का है और गटर का पानी भी भर रहा है, ये बैड न्यूज है हमारे लिए भाई। चले ठीक है अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर ही एंड, बस ठीक है जो होगा आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि पानी का क्या हाल है, सैलाब का क्या हाल है, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा, ठीक है अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे ब्लॉग को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब कर दें, प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें शेयर सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज़, आप आ जाए लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें।